आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं आप। बोल रहा मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से बात कर रहा हूँ आपा। ये अभी इस वक्त में जो चल रहा है ना आपा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग भी ना ऐसा काम करने के लिए एक तंजीम बनाए हैं हमारी जिम्मेदारी के नाम पे। हम लोग बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं आपा। तो अचानक मैं आपका बहुत सारा वीडियो देख रहा था, ये नंबर मिला आपा। दिल से मतलब आपको सलाम है आपा, अल्लाह आपको सलाम रखे। रो के बोल रहे हो आपा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपा। हूँ। बहुत शुक्रिया अल्लाह। बहुत तकलीफ होती है आपा जब हम अपने बहनों को देखते हैं ना, जिनको दीन खेल में नहीं है और वैसे ऐसे काम करते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मतलब ऐसा लगता है कुछ छुरा मारे ना तो वो तकलीफ नहीं होती, लेकिन देख के तकलीफ होती है। बहुत अच्छा अल्लाह काम करे आपा। अल्लाह आपकी तड़पों को कबूल करे, अल्लाह आपके दिल के अल्लाह सवाल को, अल्लाह परवरदिगार आपको उसके अजर दे और उसके तड़प से आपको उस काम अब भाई की इतनी लोग हैं अल्लाह। अपने कॉफ में, लेकिन कोई नहीं ऐसा सोचा। आपका सोच कहाँ तक पहुंचा आपा? अल्लाह आप कैसे कैसे काम लिया आपा? बहुत इन्हें कराने वाली जात अल्लाह की, मैं यहाँ चाहती हूँ आप भी बेशक करें, आपकी तड़प आप तक करवाएगी, अल्लाह के पास तो पहुंच रहा ना हर किसी का जी पैगाम। आपा। अल्लाह ने सबको सबको इस बात के लिए अल्लाह ने सबको जिम्मेदार रखा है। सब जन अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। तो जी बिल्कुल आपा, सही अभी आपा वेस्ट बंगाल की, आप भूल जाए तो मैंने वेस्ट बंगाल की लिस्ट डाली हूँ जी बच्चियों आपा की जी जो जी रजिस्टर आपा मैरिज के लिए डाली है। तो जी आपा जी आप लोग उसमें देखो आपके एरिया की कोई है तो आप कुछ उनसे दिन काम पहले ना करो। आपा, हमारे जो स्टेशन है ना आपा, आप इस वक्त मशरूफ तो नहीं है ना नहीं, मैं अभी वो रिकॉर्डिंग डाली थी, कुछ लिस्ट वायरल हो गई है जिसके आपा? अकॉर्डिंग। वो आप काम कर ले और मुझे वक्त बताएं आपा। मैं आपसे फ्री हो, मतलब आप जब फ्री हो तो मैं कॉल करूं, आपकी मशरूफियत ना हो आपा। नहीं, इंशाल्लाह, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि आप काम काम करो ना, मैं आपको लिस्ट जो है वो वेस्ट बंगाल की जो आपके एरिया की, आप उसके ऊपर जाके उनके माँ बाप को समझाओ ना। आपकी जी आप इंशाल्लाह भेजे, मैं जरूर जाऊंगा आपा। आप जैसा बताएंगे ना वैसा मैं करूंगा तंजीम आपा। में कितने लोग हैं हमारे तंजीम में आपा अल्हम्दुलिल्लाह अभी 60 लोग हैं तो वो बोलो उनको सबको जिम्मेदारी से काम करने, लेकिन लिस्ट वायरल नहीं करना, इंशाल्लाह। नहीं करूंगा लिस्ट आपा वायरल नहीं करना। जो घर है उसके घर के पड़ोसी के भी बारे में अगर आपको मालूम है तो भी आप खुद होके जाना कि आप नहीं चाहते वो सवाब आपके आपके हक में ज्यादा से ज्यादा आए, उतने कदम की नेकिया बने। वो बच्ची नहीं बच्ची लड़की, आपकी जी नीयत बचाने की है ना, जी आप बस जी वहां जी तक जी चले जाओ और जी उनके अपनी माँ तक पहुंचा जिम्मेदारी दो। निभाने की आपा, बिल्कुल आजू सही कहा। बाजू के 4 दरवाजे ठोकने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसी दरवाजे पे जाओ जी, सही आपा। तो आपा कुछ कितनी दिन पहले कितनी हम लोग ने बेहतरीन बात हो जाएगी। स्टेशन पे हम लोग कुछ दिन ने एक कपल को पकड़ा था, वही नहीं, ये गैर, पकड़ना और ये बात और करना कुछ फिर देर वो के लिए हम लोग के सामने ऊपर वाले में को सुने केस ना, वगैरह हो गया ये था चीज आपा। अच्छा तो जी उनके देखिए लड़के वाले हम लोग के ऊपर में केस कर दिए थे, तो फिर हम लोग बताएं कि ये इससे कौम माहौल खराब होता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे थे, तो उसके लिए समझा भी रहे थे। तरीका होता है ना, उसके लिए भी अगर रास्ते में ऐसा कुछ दिखता है तो उसके घर तक जाके उसके माँ बाप तक बताना चाहिए। अब वो लड़की वहां पर उसके माँ बाप तक नहीं पहुंचने के लिए वहां पर वो जो है हर हद तक कोशिश करती है कि सामने वाला जो है ये खुद ही यहाँ से मेरा पीछा छोड़ के चले जाए, जिसके लिए पुलिस की भी मदद लेती है। पुलिस वाले भी उसको जी डंडे जी बजाते हैं कि तू कौन होता है, उसकी प्राइवेसी है, वो कुछ भी करे। बिल्कुल अरे उसको बिल्कुल नंगा ऐसे ही हुआ नाचने के था। लिए रास्ता ही रह गया है, जी जी और जी पहली जी बात उसको नंगा नाचना है, रास्ते पे भी नाचना। अगर हमारे हुकूमत का जो है वो गैर कानूनी नहीं है हमारी हुकूमत के लिहाज से, तो बुरका पहन के नाचेगी। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल रैंप पे आप चला रहे हो ना लड़कियों को, नंगी लड़कियों को रैंप पे चला रहे हो ना, उसकी जी परमिशन तो पूरी 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 दुनिया में आम है, तो क्या बुरका पहन के जी चला के उसके कपड़े उतरवाओगे? अब बिल्कुल सही रैंप सही पे चलाने के बाद चलाने वाली लड़कियों को पहले बुरखा दोगे और उसके बाद में एक एक करके उतारेगी तो और ज्यादा मजा आएगा लोगों को, तो तुम उसके लिए वो भी करोगे? सही बोल रहे हमारा मजहबी लिबास जो है उसका जी इस्तेमाल गलत नहीं होना, जिसके लिए हमने अपनी लड़कियों से इस बात को याद दहानी करवा रही है ताकि कोई और इसका फायदा ना उठाए। नहीं तो हमने तो यहाँ तक हम जब छोटे थे तो हमने तो बियर बार वालियों को बुरके में जाते हुए देखा है। जब हम सोचते थे ये बुरका पहन के बियर बार में जाती है, तो हमने भी ऐसे सवाल अपने बड़ों से रखे थे तो उन्होंने बताया था कि ये महफूज नहीं है ना, ये जो रास्ते में इनको कोई भी छेड़ सकता है क्योंकि ये इतना सब पहन ओढ़ के जाती है, जी तो इनको इनको अपनी वहां से लेकर वहां तक की इज्जत बचानी है, सिर्फ जा रही है बिल्कुल जा रही है, उसके बिल्कुल बाद में सही भले बोला अपनी मर्जी से उसको नीलाम करे, लेकिन जी इसकी मर्जी से मर्जी के खिलाफ इसको कोई भी कुछ ना बोले जिसके लिए बुरका पहनती है। सही 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 तो ये यानी गैर लोग जो कर रहे थे आज से 15 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, जी जी पंद्रह जी बीस जी साल 20 साल भी नहीं, 20-25 साल पहले की बात बता रही हूँ।
जी सही कहा तो आज आपने। वही चीज हमारी लड़कियां कर रही है कि वहां से वहां तक का उसको कोई भी कोई उंगली नहीं उठाए वहां, और लड़की के साथ में घूम घाम के उसके साथ में सारे मनोरंजन करके सारी सारी तफरी करके सारा उसके साथ में हाँ मुंह काला करके आ जाए और वो बुरखा उसका ये फायदा दे। तो फिर ये जी लड़कियों में और उन बियर बार वालियों में जो आज से 20-25 साल पहले जो ये रिवाज जी चला था उनमें जी उससे फर्क क्या रह गया? बिल्कुल सही कहा यानी वो आपने। उनकी मर्जी से वो जो है किसी को भी अपने आप को सौंप सकती है, ये कानून है। जी हाँ, आपका सही और सही वो अपने आप और वो नहीं नहीं ये सब चीजें मतलब ये किसी और के मुंह पे बात नहीं चढ़े जिसके लिए बुरका पहनेगी। तो सही कहा और भी आपने मजहबी लिबास है ना, और भी मजहबी लिबास बिल्कुल है, जैसे हमारा जी बुरका गैर लड़कियां पहनती थी तो तुम भी टिक्का लगा के गले मंगलसूत्र पहन के लड़के के गले में हाथ डाल के जाओ, सही 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 उतना सही तुम्हारा ईमान तुमको इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन बुरखा पहन के तुम्हारे को ये चीजें छुपाने की इजाजत दे रहा है क्या? हाँ, एक दाढ़ी सही वाला और एक अगर जुब्बा और जुब्बा पैजामा पहनने वाला लड़का अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसके ऊपर सारे का कानून आयात कर दोगे कि मुसलमान होके तू ऐसा क्यों कर रहा है, उसके ऊपर हाँ मुसलमान होने का लेबल लगा दोगे। तो बुरखा सही पहनने वाली लड़की के ऊपर मुसलमान होने का लेबल क्यों नहीं लग रहा है? और जी मुसलमान होने का लेबल लगने के बाद में उसको उसकी उ, 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 उसको उ, उसकी हद बताने के लिए गैर कानूनी है बोल के कैसे बोल सकते हो? जी आप हाँ, बदनाम करने के लिए सही है। एक के वजह से पूरा कम्युनिटी बदनाम होती है। आप हमारी भी बहन है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे खानदान में दूर दूर तक इस अल्लाह ने पाक रखा। तकलीफ होती है ना और उस बुरका लिबास बुरका के ये वजह लोग का। छोड़ भी देंगे, बुरका छोड़ भी देंगे और ये लोग बेनकाब होके घूमेंगे और इनके जैसे ही बन के घूमेंगे भी, तो कोई तो इनके घर वाला या इनका रिश्तेदार देख के बोलेगा कि भाई तुम्हारी बेटी तो टिक्का लगा के गले में मंगलसूत्र पहन के घूम रही थी, बिल्कुल पकड़े तो बिल्कुल तब भी जाएगी ना। हाँ हाँ, सही सही लेकिन इनको ज्यादा सेफ बुरका लग रहा है इन सब बुरका लग रहा कानूनों को सही। छुपाने के लिए। तो वहां जब हाँ बुरका पहना रहे तो वो ये सब छुपाने के लिए पहना रहे क्या? तो ये पहनाने के टाइम पे उनको कसम हल्क उठवाइए कि हम ये बुरका आपको दे रहे बेटा आपकी इज्जत बचाने के लिए और अल्लाह के पास में सुरखरू रहने के लिए, यानी कि अल्लाह के साथ भी गद्दारी करो और माशरे माँ बाप के साथ भी गद्दारी करो। और ये माशरा अगर सही तुमको इस बुरके में कोई चीज आकर अल्लाह के बारे में बताता है तो उसको तो हाथों से पलकों से लो, उसको तुम बिल्कुल उल्टा बिल्कुल उस बागी बनकर उसके खिलाफ में जाकर खड़े मत हो जाओ उनके लिए जिन्होंने तुमको ईमान से गाफिल करने की कोशिश की। सही बोले हाँ, आपका तो सही के बात रास्ते तुम्हारे लिए अगर खुले हैं तो तुम उसके उसका ये नाजायज फायदा मत उठाओ कि आज गुना करो कल तोबा कर लो फिर परसों फिर गुना करो फिर तरसो तो नहीं मौत तक तो तुम यही करोगी, सही तो उस सही सही कयामत के इंतजार के बदले तुम कयामत लाओगी। सही कह रहे हैं आप। आज मौलाना माशाल्लाह हमारे दीनदाइयों के ख्वाब में जो बिशारत आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे उस पर भी आपको समझ नहीं आ रही? हाँ, सही जलते हुए आग में जो मुसलमान दिख रहे हैं और लड़कियों की वजह से जाएंगे ये जब सामने से बोला जा रहा है तो उसके ऊपर तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा काम क्या है? सही कह रहे हो आप। सही लड़के पकड़ के मार दे रहे, लोगों को पकड़ के पिटवा दे रही लड़की और उस यार के साथ जा रही है और लड़के भी ऐसे मुंह उठा के बोल रहे हैं चल चल मेरी बीवी है चल बोल क्या कर लेगा चल हट चल। हाँ, उठा के पीट दे रहे, 10-15 हज़ार का मोबाइल बचाने के चक्कर में लड़का हाँ उसकी इज्जत भी बचा नहीं पाता। सही सही हाँ, उसका मोबाइल छीन लेंगे तोड़न ताड़ी करना चालू कर देंगे लेकिन वो जो बोलना चाहता है वो तो पहुंचा ही नहीं, तो ये पहुंचेगा कैसे? कुछ देर के लिए नहीं रोकना है ना, हमेशा के लिए अगर उस लड़के के साथ में उसके ताल्लुकात को जो है वो नाजायज है वो बताकर उसे समझा कर वो समझ उसके दिमाग में हमेशा के लिए रहे, जिसके लिए तरीका गलत है कि उसी वक्त में माहौल क्रिएट करके सबको जमा करके ये चीजें नहीं हो सकती है था कि नहीं उसी हो वक्त में सकते। रुक सकती थी, वो आज कहाँ जाएगी किस हम औरत लोगों में ने ना आपा जाएगी? यही गलती करी थी जब हम लोगों ने देखा ना, तो एक हमारे दोस्त थे उन्होंने वो लड़के को पीटा मारा पीटा, और फिर इस लड़की को बैठाया, बोला कि अपनी मम्मी से बात कराओ। तो वो अपनी मम्मी से मम्मी को फोन करने के बजाय ना वो बोली कि मेरी मम्मी है बात करो। और जब मेरा दोस्त दानिश देखता स्क्रीन पर तो प्रिया के नाम से नंबर सेव था, तो उनकी कोई फ्रेंड थी, हाँ, तो ये लोग ज्यादातर तो अपनी फ्रेंड अपने से बात माँ कराते हैं। हाँ अपने माँ से बात नहीं करेगी, वो अपनी फ्रेंड से बात करेगी जो भी जो कि गैर गैर कौम के हैं, वही तो, है आप ना। बात सुनो, आप लोगों को ये लोग इसका हिस्सा नहीं समझते, दीन का हिस्सा समझ के तुमसे बात नहीं करवा रहे। वो लोग मुसीबत आई हम पे और उससे कैसे बचना है, हम पे मुसीबत आई है, हम पकड़े गए हैं और हमारे घर तक की बात नहीं जाना चाहिए। और क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इनको वो चीज आगे करनी है जिसके लिए वो लोग बना वहां पर हुलिया साजी के तहत वो लोग तुमको बेवकूफ बनाने के चक्कर में वो लोग जो है किसी से ही बात करा देंगे।
ये मेरा बिल्कुल अंकल, मेरा आंटी, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, ये मेरे गार्जियन थे, ये मेरी या तो माँ है या मेरी बहन है, बड़ी बहन है, ऐसा बोल के किसी से भी बात करवाती है। हाँ, ऐसा बात, माँ अपनी फ्रेंड को माँ उसने बना उस दी और लड़के को उनके मार बोले कि दिया। अरे तो वो मतलब तो भाई देखो, है, वो तो भाई है, हम भाई हमारे बचपन से जानते हो भाई, ऐसे करके बता रही है। हाँ अरे बचपन से जानते हैं। देखिए एक बात सुनिए, जो भाई है वही भाई है, जो हाँ, सगा भाई है वही भाई है, बाकी कोई वही भाई है भाई बोल के और बोलती कोई है ना, भाई बोल के तो नहीं है, वो और अपने आप कैसा को भाई बचाने है। के लिए, और वो सामने वाला जो उसका गुनाह का हिस्सा बन रहा है, जो उसका भाई बनने का दावा कर रहा है, और उसके बाद वो चीज को जानने के बाद वो भी नहीं पहुंचा रहा उसके घर तक, वो भी गुनहगार है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आपा आप लोग उस लड़के को जो साथ में है, आपा इतने लोग हैं, इतने लोग हैं आपा, दिल से आपको मेरा सलाम है आपा, रो के बोल रहा हूँ, अगर मेरी जान भी आपको जरूरत पड़े ना आपा, नहीं बस हाजिर इतना है है हम, कि आप लोग तरीके से लेकिन काम करो। अब मैं काम करने के लिए तैयार हूँ आपा, लेकिन आप फ्रंट में आके कर रहे हैं आपा, बहुत बहुत आपका हिम्मत को सलाम आपा। नहीं तो रिस्क है, लेकिन क्या अरे करेंगे, अभी क्या करेंगे, किसी को तो आगे ये आना टाइम पड़ेगा। बिल्कुल आपा, देखो हम लोगों को टारगेट में लेते हैं हमेशा, अभी देखो 2 दिन पहले क्या हुआ मुख्तार अंसारी, लेकिन पापा आपको सलाम, आपकी हिम्मत को, हम लोग के समाज में ना आपा ऐसे ऐसे लोग हैं जो सब कुछ अपने आंखों से देख रहे हैं, देख के मटियाए हुए हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके जैसे अभी लोग ये भी हैं। लड़की ये लड़कियों के साथ में जो लड़के रहते हैं उनके ऊपर हाथ मत उठाओ, क्योंकि वो हाथ उठाने के बाद वो लोग अब खुन्नस आ जाते हैं कि ये अब अगर वो लोग किसी साजिश के तहत तो लड़की को फंसाए तो भी वो लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर वो किसी प्यार मोहब्बत के तहत तो उस लड़की को फंसाए, सही में प्यार करता है, तो भी वो लड़की की जिंदगी खराब करने का वो अहद ले लेगा कि अब तो मैं कुछ किया नहीं और मेरे को इन लोगों ने इतना बताया, इसकी नाक में कैसे काटता हूँ, देखो जब मैं इसको लेकर मुकाला करूंगा, जब मैं इसकी पूरी जिंदगी खराब कर दूंगा बंद कमरे में, तब ये किधर से आके इसको बचाएंगे, कहाँ से इनके अल्लाह आएगा, ये जवाब रहता है उनका, नौज बिल्ला सुमा नौज बिल्ला, पूरे सही रोज रोजाना सही अल्लाह को गाली बकते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बकते, वो लोग बिल्कुल इन लड़कियों के साथ में जिना करने को अपने मजहब का ये हुक्म बताते हैं, अपने लोगों की ताईद करते हैं ये लोग के ये लड़कियों को होटल तक लेके जाओ और इनके साथ में जिना करो और इनके साथ में औलाद पैदा करो, और अगर ये बोले कि भाई शादी करना तो शादी भी भले वक्ती तौर पे इनके साथ में फेरे कर लो, या फिर वक्ती तौर पे इनके रजिस्टर मैरिज कर लो, तो वो रजिस्टर मैरिज जो है वो तुम्हारी जात जमात वाला रजिस्टर मैरिज नहीं है, वो स्पेशल रजिस्टर मैरिज है जिसमें कुछ कायदे कानून है, जिसमें वो लड़की अपना मजहब पर रहने की बात करती है, तुम अपने मजहब पर रहने की बात करते हो, और उसके बाद में अगर वो तुम्हारे मजहब में आ भी जाती है और वो अगर तो ठीक है, नहीं आती है तो उसके लिए तुम्हारे को जो है तुम लोगों में बता सकते हो भाई भाई मैंने तो गैर मजहब की लड़की किया हूँ, मैंने ये मुसलमान किया हूँ, और उनको शान है बताने में कि मैंने मुसलमान लड़की लाया हूँ, ये उनके लिए शान है, पर हमारे हमारे हमारी लड़कियां ये बोल सकती है कि मैंने हिंदू से शादी करी, यही बोलेगी मैं तो उसको मुसलमान बनाने वाली हूँ, मुसलमान बना चुकी हूँ, हाँ हम मैं तो उसके साथ निकाह कर चुकी हूँ, मैं तो मेरे मजहब पे रहूंगी, ये बोलकर वो अपना अपना बचाव करती है लड़की, लेकिन डंके की चोट पे जैसा वो लोग बोलते हैं कि मैंने मुसलमान लड़की किया, क्योंकि सही है सही, उनको ये बात उनके मुआशरे से इजाजत है, बिल्कुल उनके मुआशरे से उनके मजहब से इजाजत है, सही पर कहा हमारे आपने। मजहब से हमारे मुआशरे से हमारी हमारी कम्युनिटी से इस बात की इजाजत नहीं है, जिसके लिए लड़की झूठ बोलती है और उस झूठ के तहत अपने आप को उसके हवाले जिना के लिए करती है, और इस रजिस्टर जी मैरिज की कोई वैल्यू नहीं है जिसमें वो कोई अपने आप वैल्यू को नहीं है। मुसलमान रहूंगी बोलती है, तो मेरा मजहब इस चीज की इजाजत नहीं देता है, वो ईमान से खारिज हो जाती है जब वो किसी और के साथ में जाकर रजिस्टर मैरिज या शादी का ये बहाना बताती है, ये चीज हमारे हमारे में निकाह है, और निकाह जो है वो मुसलमान से है, बिल्कुल सही बोले और आपने। मुसलमान से ही निकाह जायज है, मुशरिक से निकाह जायज नहीं है, और मुशरिक से निकाह जो है वो हराम है, तो रजिस्टर मैरिज जी को हलाल करार देने वाले ये लड़की और लड़की के घर वाले, इनके साथ में जो है बात करना और इनको अल्लाह का हुक्म बताना जरूरी है, अगर नहीं मालूम है तो, और मालूम है तो फिर इनको जो है इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, इनको जो है बाइकॉट किया जाए, इनको जो है मुसलमान होने के नाम से फायदा उठाने और ना दिया जाए, और लोगों में उस बात को रखी जाए कि भाई इनके घर की लड़की और लड़का अगर इस तरीके से चलन है तो फिर हमारे आगे हमारे हमारे मुसलमान अगर इनकी बेटी के साथ में और इनके बेटों के साथ में ब्याहे जाएंगे तो ये लोग उनकी भी जो है हिफाजत नहीं कर सकते और उनको सही दीन नहीं सिखा सकते, और ये लोग जो टोटली है हाँ बायकॉट। बाइकॉट किया जाए, मस्जिद और कब्रिस्तान इनके लिए नहीं होना चाहिए मेरे नहीं हिसाब होना से, चाहिए, और टोटली टोटली बायकॉट होना ये चाहिए आपका, इस्लाम के हिसाब से, मेरे हिसाब बिल्कुल से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं इस्लामी व्यू से बात कर रही हूँ, और ये मेरा बिल्कुल खुद का जाति हक मफाद है नहीं है, जी, ये इस्लाम और बिल्कुल आपका दीन हक का है। जो है ये हुक्म है, और ये जी हुक्म बिल्कुल जो है आपका खुलकर
मौलानाओं को और मस्जिद के इमामों को और हमारे दीन दाइयों को बोलना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। बिल्कुल आपा, अगर एक दरवाजा बंद करते हैं आप मस्जिद का उनके लिए, तो बाकी के लोग भी उनके उनको समझ में आएगा कि अगर हमारे घर से ये अगर काम हुआ तो हमारे लिए भी अल्लाह के घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बिल्कुल आपा, बिल्कुल आपा। तो ये चीज के लिए कौन आएगा आगे बताइए? एक औरत जात अगर मेरे बोलने से अगर सब कुछ बदल सकता तो मैं सब कुछ बदल देती, बापा मगर मेरे आप अकेले के एक बस की बात कदम नहीं है। उठाए आपा, बहुत बड़ी कदम उठाए आपा। और यकीन माने हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन किसी का कोई सामने आता ही नहीं है, तकलीफ सभी को है लेकिन कोई आता ही नहीं आपा। आप जो मतलब ये कदम उठाना पा बहुत ही अच्छा है आपा, और मैं आपका छोटा भाई हूँ आपा, जैसे बोलो ना मैं हाजिर हूँ आपा। और हम अपने शहर में भी काम करना चाहते हैं आपा, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका मशवरा चाहिए आपा, इंशाल्लाह। देखो है ना? अल्लाह का इससे सपोर्ट है, मुझे भी अल्लाह का ही सपोर्ट है, और हम जितना भी हो सकेगा जो वक्त अल्लाह ने हमको दिया है जिसमें हम जो हमारे हमारा खुद का जाती वक्त हो या फिर हमारा मसरूफियत का वक्त हो। देखिए इबादत तो हर हर तरह से कबूल करता है ना अल्लाह, अल्लाह पाक हर तरह का इबादत कबूल रूहानी करते हैं, ये जिस्मानी भी इबादत है आपा। यहाँ आप किसी को तक गुमराही से बचा रहे हो ना आपा, ये भी मुझे बहुत बताइए बड़ी ना फिर, इबादत है। तो ये इबादत में नहीं है जिसी को गुमराही से बिल्कुल बचा किसी रहे हो, गुम, मुझको मुर्तदों से हाँ बचा रहे, तो ये इबादत में ये नहीं। तुम बहुत चाहे बड़ी गुस्सब में इबादत हो है आपा, बहुत चाहे बड़ी गुस्सब में हो इबादत। चाहे मसरूफियत में हो चाहे उठ रहे बैठ रहे सोते जागते चलते फिरते खाते पीते यहाँ तक के गुनूदगी की हालत में भी आधी नींद में बिल्कुल, भी तुम अल्लाह बोल रहे हो ना, तो अल्लाह बोलता बोल मेरे बंदे। बेशक बेशक, उस जात के लिए उसके 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 ईमान वालों के लिए अगर हमने दो कदम या दो लफ्ज बोल दिए तो वो लिखी में लिखे नहीं जाएंगे, वो बेशक तकदीर में आफा, लिखे नहीं जाएंगे, उस इबादत बिल्कुल में लिखे नहीं जाएंगे जो अल्लाह को पसंद है। बिल्कुल आफा, बिल्कुल तो बेशक अल्लाह आफा, की पसंद के लिए हमने अगर अगर ये फरीजा उठाया है और हमने अपने आप को इसमें हर तरीके से इबादत के लिहाज से हमने अगर अल्लाह के आगे इसमें अपने आप को दे दिया है तो फिर अब इसमें गुंजाइश क्या है जिसमें आपको तकलीफ, और किधर से आपको जब आप जंग का मैदान मान लो ना, अगर इस काम को आप अपने पे ये सोचकर आयत कर लो ना कि भाई ये जो है शैतान से आपकी जंग है जी और शैतान बिल्कुल काफिर है, बेशक आप एक बिल्कुल। एक को पकड़ के बोलने की जरूरत नहीं है, तब अल्लाह किसके दिल में ईमान डाल दे। और ना किसी को कलमा पढ़ाने के लिए जाकर तुम इस माहौल में अपने आप को बलि का बकरा बनाओ, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि झूठे लोग बहुत फैल गए, झूठ बोल के मुसलमानों को फंसाया जा रहा है लेकिन उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल और हमारे हमारे लिए सारे कायदे कानून हम पे लागू कर दिए जाते हैं। अगर किसी मौलाना के पास जाके कोई बोलेगा मेरे को कलमा पढ़ाओ और जाके वो बोलता कि मुझे इसने कलमा पढ़ाया, लेकिन वो जाने वाले को कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर कानून नहीं है, कोई उसके ऊपर पकड़ नहीं है, बेशक वो आप, इनोसेंट है, वो उनकी नजर बेशक में इनोसेंट है। और हमारे इनोसेंट मौलाना जो है वो कसाई है, कलमा पढ़ाना कसाई मतलब सामने है। वाले को उसने ईमान में लाके उसको हलाक कर दिया, तो वो हाँ निकलने के लिए कितनी देर कितनी उसके अंदर भाई मुश्किल है, या मुसलमान बिल्कुल जगह पे कुफर कर दे रहा है, तो तुम कुफर से अगर ईमान में आए हो और आपको जबरदस्ती लाया गया है तो तुम वापस कुफर में जाने के लिए तुमको कौन सी पाबंदी है जिसके ऊपर तुम कलम दाखिल कर देते हो, जिसके ऊपर तुम गुनाह दाखिल कर देते हो। जब गुनाह दाखिल कर दिया जिसने के मुझे जबरदस्ती कलमा पढ़ाया गया, वो तो ईमान से खारिज वाला आदमी है ना, बिल्कुल तो सही सही खारिज सही, वाला आदमी ईमान का दावा कैसे कर रहा है? ये आज तक किसी ने नहीं पूछा, ये बिल्कुल आज तक हाँ, किसी ने नहीं पूछा कि जो बंदा बोल रहा है मुझे जबरदस्ती कलमा पढ़ाया गया तो वो ईमान पर है ही नहीं, तो ये जबरदस्ती वाली बात आपने कैसे आपने इसको दर्ज की ईमान के जुमरे में लाकर कि इसको कलमा जबरदस्ती पढ़ाया गया, जब उसने इस बात का सारे आम आकर उसने अपनी आजादी का फायदा उठाया, अपने जी आप को जो है उसने उस मजहब से दर्जबरदार बताया, तो फिर उसके बाद जबरदस्ती कैसे हो गई? जब अब बोलने कैसे पर हो गई? कोई जबरदस्ती नहीं है कि मत बोल, जब कलमा पढ़ाने वाला तो उसको अभी भी बोलेगा कि तू ये बात किसी को बोलना नहीं, बिल्कुल अगर तूने ये बिल्कुल, बताया कि तो हम तेरे को खत्म कर देंगे, या जो भी उसको डर था, जो जबरदस्ती का नाम जिसको दिया गया वो डर उसका हमेशा के लिए कायम क्यों नहीं रहा? क्यों नहीं रहा? सही हाँ, बात है, यहाँ कलमा पढ़ के वहां जाके जबरदस्ती बताएगा और उसको आप लोग लिख दोगे और हमारे दीन दाइयों को जो है इसके ऊपर भेंट चढ़ा दोगे पेश कि कर इसने दोगे, बिल कर जबरदस्ती दोगे, सही मुसलमान बात है। बनाया, हाँ, सही तो बात है। ये कोई गुलामी में नहीं था वो लड़का, कि उसके पास में कोई कर्जदार नहीं था, कि उसके पास में उसकी कोई जो है वो राज राज नहीं थे जिसके तहत उसको कलमा पढ़ाया गया, या कलमा तू कलमा नहीं पढ़ाएगा, पढ़ेगा
तो तेरे को तेरे हम ये इज्जत नीलाम कर देंगे, या तेरे को हम बर्बाद कर देंगे, कोई या किसी तेरे का को हम ब्लेक जो मिल है नहीं था। हाँ सही बात है, तेरे 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 को जो है हम जीने नहीं देंगे, ऐसा कुछ सही अगर बोले। वहां पर ब्लैकमेलिंग वाला मामला है और फिर उसके ऊपर जबरदस्ती वाली बात आप बोलते हो तो बात जी मानी जाएगी? जब ऐसी बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं थी तो फिर जबरदस्ती वाला मामला दर्ज क्यों हो रहा है? जी, सही, एकदम सही। पता है आपको? ये पता है आपको? इंसाफ नहीं नहीं सुनो, आपा। अभी पूछ लो क्यों हो रहा है? पता है इन नालायक लड़कियों की वजह से, जो खुद तो आ जाती है उनकी बातों में उन लड़कों की, और अपने मौलानाओं के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने मुआशरे के दीन दाइयों के पास लाके बुझाती है कि ये मुसलमान बनना चाहता है, ये मुझसे शादी करना चाहता है और ये मुझसे निभाएगा, आप इसको कलमा पढ़ो। जी मैंने तो आधा आपा, इसको मुसलमान बना दी, आप इसको पूरा मुसलमान बनाओ। ना तो आधा मुसलमान बना था कभी और ना पूरा मुसलमान बनेगा कभी। ये पहले इसकी लड़की जिंदगी लड़की बर्बाद बातों में करेगा। आती है, फिर हमारे दीन दाई और हमारे पहले पहले लड़की बातों में आती है, फिर उस लड़की के माँ बाप बातों में आते हैं, फिर लड़की के माँ बाप के बोलने पे हमारे दीन दाई बातों में आते हैं, और फिर बाद में इनका सारा कुछ जो है ये अपना बेकार हो पूरा जाता। पूरा गेम पूरा सक्सेस हो जाता है इनका। फिर उसके बाद में ये कहाँ से शुरू करते हैं? लड़की से शुरू नहीं करते, लड़की से शुरू नहीं करते कि हमने लड़की फंसाई थी, हमने उसको कहा था कि मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, हमने उससे कहा था, माँ बाप से मिला, मैं उनके पास भी ये बात बोलूंगा, हमने उसको कहा था कि तुम्हारे मौलाना के पास लेके चलो, जो जो उसके अरकान है मैं पूरे करूंगा, मैं खतना भी करूंगा, मैं कलमा भी पढ़ूंगा, मैं निकाह भी करूंगा, ये सब लड़की सही के जरिए होता है। लेकिन जी, लड़की का कहीं नामो निशान नहीं है, कहां नहीं है, से बिल्कुल उल्टी गिनती नहीं। शुरू करते? कहां से? मौलाना साहब से जिसने कलमा पढ़ा है, काजी साहब से जिन्होंने निकाह पढ़ा है, समझे? माँ बाप का सही भी नाम सही नहीं आ सही, रहा, लड़की का भी नाम नहीं आ रहा। हाँ, नहीं आ रहा, सही बात क्योंकि बोले लड़की आप। ने कौन सा निकाह निकाह के बाद में उसके साथ उसको उसको पहली बार देखी? वो तो पहले सब कुछ देख चुकी, सब कुछ कर चुकी, अपने जी आप को सौंप बिल्कुल, चुकी, अपने आप को उसके साथ में हराम और जीना तक लेके हद तक लेके जाकर उसको लाके कलमा पढ़वाने के लिए उसके उसकी बातों में आ गई। आ गई, सही बात हाँ, है आपका। तो आप बताओ मुझे, ये कहाँ की शुरुआत, कहाँ जाकर देखो कि कितने दिमाग से ये लोग चल रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? इन लड़कियों को इसलिए समझा जा रहा है कि तुम इनको लाकर कलमा के लिए खड़ा करोगी तो ये सोच लो कि ये हमारे मजहब के ऊपर टारगेट है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें ट्रैप किया जा रहा है तुम्हारी नादानियों की वजह से, तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से, तुम्हारी कम अकली की वजह से, तुम्हारी हमारी नस्लें बर्बाद हो ये रही है। मासूमियत का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। तुम इनकी जालों में मत फंसो, तुम इनको अपने मजहब में लाने के चक्कर में तुम अपना ईमान इनको मत सौंप दो, और तुम अपना ईमान दांव पे मत लगाओ, तुम कुफ्र मत करो, ये बोला जा सही रहा है, सही क्योंकि सही कह रहे हो वो आप, ईमान नहीं लाने वाले, बिल्कुल बिल्कुल। और वो ईमान लाने के लिए तुम्हारे तुम्हारे साथ में, तुमने उसको ईमान पे लाने के लिए तुमने से प्यार मोहब्बत नहीं की, तो फिर वो तुम्हारे तुम्हारे साथ में जो है वो आगे जाकर ईमान पर कायम रहेंगे, ये तुम कैसे सोच लेती हो? सही जब सही तुमको सही, उस वक्त में अल्लाह याद नहीं रहा, जब तुम उसके साथ मुंहमारी कर रही थी, जब मुंहमारी करने में तुम्हारे को इतना मजा लग गया कि तुमको उसके साथ में जिंदगी गुजारनी है मुआशरे में सरेआम रहकर और सबको खुश करके, तो तुम इस्लाम का फायदा उठाओगी? सही 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 हाँ, मजहब का फायदा उठाओगी? सही कह रहे। बस यही बात है, ये चीजों को ध्यान में रखकर उन लड़की आपा को काम समझाना, उन करना लड़कों है, पर हावी काम होना। करना है आपा, बस आप मशवरा दो आपा। और थोड़ा ना आपा, इस छोटे भाई का ना मेरा फोन, अगर थोड़ा मसरूफियत, कब आप फ्री रहते हो ना मेरे को बता देना आपा, मैं नहीं उस इंशाल्लाह, बस ये वक्त बात मेरा फोन। मेरे बहुत अच्छी बात आप तक पहुंचाई, अगर जी चाहूंगी जी कि मुआशरे को पहुंचे, और इंशाल्लाह जी इस जी बात को मैं मुआशरे तक पहुंचाऊंगी, और जी ये बात आपा, पर अमल अगर हो गया ना तो बहुत जी आपा, आसानियां होगी, इंशाल्लाह और मेरे साथ आप भी इस सवाबे जारिया के हकदार हो जाएंगे। आपा मैं बिल्कुल पहुंचाऊंगा, बिल्कुल। बस मैं इधर तंजीम बनाया हूँ, अभी हमारी वादा आप जिम्मेदारी देखिए करके, रमजान बिल्कुल महीने में कर रहे हैं और आप रोजे वादा करो, मैं काम में करूंगा कर रहे आपा। हैं, जी ठीक है ना? जी आपा, टीचर का दिन है आज, जी माशाल्लाह से आपा, कुछ ही चंद रोजे बाकी है, और अल्लाह बिल्कुल इन रोजों में हमारी, अल्लाह अपनी तरफ की मोहब्बत, अपनी तरफ की इबादत, अपनी तरफ की तड़प को कबूल करे। आमीन आपा, आमीन आपा। एक ना एक बहुत बड़ा, मतलब हमने कुर्बानी दी इस चीज के लिए आपा। अभी तो वक्त नहीं, मैं आपसे काफी टाइम ले चुका हूँ, कभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बात होगी ना इंशाल्लाह, तो जरूर मैं जरूर, आपसे ठीक उस चीज के लिए मशवरा लूंगा आपा। तो ठीक आप जब भी फ्री हो तो मैं आपको कॉल करूंगा ना आपा, इंशाल्लाह मेरा नाम इंशाल्लाह सेव कर ले, नियाज इंशाल्लाह। अहमद।